हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो इस प्रकार के पैटर्न को आप बहुत तरीके से प्रिंट करा सकते हो, बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ, मैं जो लॉजिक बताने वाला हूँ, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस पैटर्न में आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर रो इसको कहते हैं, वन रो, टू रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है, टोटल कितने रोज है, फाइव रोज है हमारे पास, परफेक्ट है ना। उसके बाद आप काउंट करोगे कॉलम्स कितने हैं, तो इसे हम लोग कॉलम कहते हैं ना, ये वर्टिकल लाइंस को, ठीक है। तो वन कॉलम हुआ, टू कॉलम, थ्री कॉलम, फोर कॉलम एंड फाइव कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम भी फाइव है, ठीक है। रोज कैलकुलेट हो गया, कॉलम कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप देखोगे कि जब हम लोग फर्स्ट रो में है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करें, एक ही कॉलम में वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट रो एंड इन वन कॉलम ओनली वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू, दैट इज द वन। जब आप सेकंड रो में जा रहे हो तो सेकंड कॉलम तक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, थर्ड रो में जा रहे हो तो थर्ड कॉलम तक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, एंड इसी प्रकार से फोर्थ रो में जा रहे हो तो फोर्थ कॉलम तक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर लूप यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग नेस्टेड फोर लूप यूज करके इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे, ठीक है। नेस्टेड फोर लूप क्या होता है, जब एक फोर लूप के अंदर और भी फोर लूप आ जाए तो इसे नेस्टेड फोर लूप कहते हैं। जैसे एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए तो इसे हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से जब एक फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप आ जाए तो इसे हम लोग नेस्टेड फोर लूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आर इन रेंज 1, 6, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप देखोगे इस पैटर्न में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, है ना, फाइव रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो बेसिकली ये जो आउटर लूप है, अभी जो मैं लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका पैटर्न का साइज को डिफाइन करेगा। तो हमें टोटल फाइव रोज तक वैल्यू प्रिंट कराना है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, 6। आप चाहो तो स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो, कॉमा 1 एंड देन कॉलम। दिस इज द सिंटैक्स, है ना, ऑफ फोर लूप, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आएंगे 4c in range 1, r+1। यहां पे 1, r+1 मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो जब r का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो यहां पे r का वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 + 1 = 2 हो गया। यानी ये जो मतलब इनर लूप आपका चलेगा, एक ही बार चलेगा। जब r का वैल्यू 2 होगा, यानी कि आप जब सेकंड रो में जाओगे तो आपका ये जो कॉलम का वैल्यू जो है, जो c का वैल्यू जो है, वो 2 टाइम्स चलेगा। ये लूप जो है 2 टाइम इटरेट करेगा, ठीक है। जैसे देखो r का वैल्यू अगर 2 होता तो 2 + 1 = 3, 3 इज द एंड वैल्यू, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, है ना। तो c का पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगा, 1 एंड 2, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे मैं लिखूंगा r, and = space bar, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेस बार से एंड करना चाहता हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी प्रिंट होने के बाद कर्सर जो है न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है। उसके बाद यहां पे सिंपली मैं लिख देता हूं प्रिंट, ठीक है। चलिए पहले इसको मैं रन करके देख लेता हूं, ठीक है, कि वो आउटपुट आता भी है या ना, है ना। तो आप देख सकते हो हमें वो आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, R इन रेंज, सबसे पहले R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा सबसे पहले 1, ठीक है। उसके बाद इस आउटर लूप के बाद आप आओगे यहाँ पे इनर लूप में, तो C इन रेंज, इस बार C का वैल्यू क्या हो जाएगा, C का भी स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। R का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 = 2 हो गया, 2 इज द एंड वैल्यू, तो C का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट R, आप R प्रिंट करो, R का करंट वैल्यू 1 प्रिंट कर दो, ठीक है, एंड देन एंड विद स्पेस बार, यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है, हालांकि स्पेस तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। उस वक्त फिर से इनर लूप में जाओगे तो अब C का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 इज द एंड वैल्यू, R का वैल्यू 1 पुट किए थे तो 1 + 1 = 2, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो इनर लूप है मेरा, ये जो है फॉल्स हो चुका है, ठीक है। और जब ये इनर लूप फॉल्स होगा तो अब आप इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आओगे, इस प्रिंट फंक्शन में आओगे, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा आउटर लूप है, ये जो मेरा मेन फोर लूप है, इसके दो स्टेटमेंट है कि ये फोर और ये प्रिंट, जब ये फोर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए, है ना, ये कर्सर को शिफ्ट कर दे रहा है बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में। अब यानी कि कर्सर हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहां से हम लोग कहां जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे आउटर लूप में, मेन लूप में, अगेन फॉर आर इन रेंज। इस बार देखो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा। मेन लूप में जितनी बार इन करोगे
वहां पे जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो उसका वैल्यू वहां से आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब पहले वन था तो अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वन से ही स्टार्ट होगा फिर से। बट सी इन रेंज, इनर लूप में जितनी बार इन करोगे है ना, इसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होता। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो भी स्टार्ट वैल्यू दिया वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू वन दिया तो वन से स्टार्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे टू स्पेसिफाई किया होता तो टू से स्टार्ट होता। बट राइट नाउ आर का वैल्यू टू है तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस वन मतलब थ्री हो गया, ठीक है ना। मतलब ये इनर लूप में रेंज में क्या है हमारे पास, रेंज में वन कॉमा थ्री, ठीक है। तो C का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा, पहले तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 1 से। जब C का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट R, आप R का ही करंट वैल्यू प्रिंट करो। R का करंट वैल्यू क्या है, 2, 2 प्रिंट करो, हमें 2 ही प्रिंट कराना, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन एंड विथ स्पेस बार, तो देखो यहाँ पे स्पेस आ गया। अगेन सी इन द रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। देन प्रिंट R, स्टिल यू हैव टू प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ R, दैट इज द 2, तो 2 प्रिंट हुआ एंड एंड विथ स्पेस बार, ठीक है। फिर से जाओगे सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है बिकॉज 3 इज द एंड वैल्यू, ओके नो प्रॉब्लम। तो यानी कि इस प्रकार से इनर लूप हमारा फॉल्स हो चुका है। इनर लूप फॉल्स होगा तो आप इस वाले प्रिंट फंक्शन में आओगे और ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ प्रिंट के इस लाइन में इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, राइट। नाउ अगेन वी विल गो टू द मेन लूप, आउटर लूप फॉर आर इन रेंज। इस बार आर का वैल्यू सर हो जाएगा 3। फिर से आप आओगे इनर लूप में फॉर सी इन रेंज, है ना, 1, R+1, तो R का करंट वैल्यू 3 है तो 3+1, 4। यानी कि यहाँ पे जो है इनर लूप के रेंज फंक्शन में यहाँ पे एंड वैल्यू क्या आ जाएगा, एंड वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो C का वैल्यू फिर से क्या स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा फॉर सी इन रेंज। C का वैल्यू 1 होगा, देन प्रिंट R, R का करंट वैल्यू 3 प्रिंट करोगे एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से आप जाओगे इनर लूप में फॉर सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू 2 होगा, देन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करोगे, 3 प्रिंट करोगे एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से आप इनर लूप में जाओगे सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन क्या कर रहे हो आप, प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू 3 ही प्रिंट कर रहे हो। फिर से इनर लूप में जाओगे फॉर सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो 4 इज द एंड वैल्यू एंड एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इनर लूप फॉल्स हो गया। जब इनर लूप फॉल्स होगा तो आप इस वाले प्रिंट फंक्शन में आओगे और ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए, क्योंकि इसके अंदर हमने तो कुछ वैसा एक्सप्रेशन दिया नहीं है, कोई मैसेज दिया नहीं है, तो बिना कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर से ये इसी प्रकार से काम होगा। फिर से हम लोग जाएंगे मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बढ़ करके, और इसी प्रकार से ये फिर 4 4 4 4 और 5 5 5 5 5 इस लाइन में प्रिंट कर देगा दोनों, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R प्लस वन क्यों लिखा, ये आप समझ गए होगा, क्योंकि जब R का वैल्यू 1 हो रहा है यानी फर्स्ट रो में, ठीक है, तो एक ही बार हम चाह रहे हैं कि इनर लूप चले, तो R प्लस वन यहाँ पे कर दो तो 1+1 2 हो जाएगा, ये लूप एक ही बार चलेगा इनर लूप, तो यानी कि इस रो में एक ही कॉलम में वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे। जब R का वैल्यू 2 होगा तो सेकंड रो में 2 कॉलम तक वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे R प्लस 1 ऐसा लॉजिक लिखा है, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप चेंजेस कर दे तो, यानी कि आप R के जगह केवल C कर दे तो C का वैल्यू प्रिंट करने लगेगा। C का वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 लाइक दैट, इस टाइप से, तो कुछ वैसा हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, R की जगह मैं क्या कर देता हूँ, C कर देता हूँ। जब इसको रन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ ये आउटपुट आएगा। देखिए अभी का आउटपुट ये है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। कैसे हो रहा, R इन रेंज, R का वैल्यू 1 हुआ है ना, तो C इन रेंज यहाँ पे गए तो C का वैल्यू 1 होगा, R का वैल्यू 1 था तो 1+1 2, यानी ये लूप एक ही बार चलेगा तो प्रिंट C, C का करंट वैल्यू 1 प्रिंट होगा एंड विद स्पेस बार। फिर से जाओगे इनर लूप में तो C का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, C का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को शिफ्ट करेगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में। फिर से आप यहाँ से कहाँ जाओगे, मेन लूप में R इन रेंज, अब R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+1, यानी कि इनर लूप में एंड वैल्यू क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो C का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, तो C इन रेंज, C का वैल्यू राइट नाउ भी 1 है तो प्रिंट C, C का करंट वैल्यू 1 प्रिंट किया एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से जाओगे इनर लूप में C इन रेंज, इस बार C का वैल्यू 2 होगा, देन प्रिंट C, C का ही करंट वैल्यू प्रिंट करा रहे हो 2 एंड देन एंड विथ स्पेस बार। फिर से जाओगे इनर लूप में C इन रेंज, इस बार C का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 इज द एंड वैल्यू,
ठीक है, तो ये इनर लूप फॉल्स हो चुका है। इनर लूप जब फॉल्स होगा तो आप इस प्रिंट फंक्शन में आओगे। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किया है ना, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगेन यू विल गो टू द मेन लूप इन द सेम वे। इस बार आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। और जब 3 होगा तो यहाँ पे 3+1 है ना, आपका जो एंड वैल्यू है जो इनर लूप में वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। यानी सी का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3। तो नेक्स्ट लाइन में ये 1, 2, 3 इस प्रकार से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट लाइन में भी 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना हो तो आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हो, ये काफी सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।